नमस्कार इंडिया टीवी पर अब वक्त है सुपरफास्ट 200 का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। 20 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 200 खबरें। उड़ता पंजाब विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे अनुराग कश्यप, कल होगी सुनवाई। अनुराग कश्यप के वकीलों ने कहा फिल्म को आज ही मिला ए सर्टिफिकेट, इसलिए याचिका में बदलाव जरूरी। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को ए सर्टिफिकेट के साथ 13 सुझाव दिए, अनुराग कश्यप को 13 सुझावों पर आपत्ति। अनुराग कश्यप के समर्थन में उतरा बॉलीवुड, उड़ता पंजाब की टीम के साथ महेश भट्ट एकता कपूर मीडिया से हुए रूबरू। फिल्म के प्रोड्यूसर अनुराग कश्यप का एनडीए सरकार पर निशाना, कहा 2 साल में हर फिल्म के लिए ट्राइब्यूनल में जाना पड़ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहिद कपूर और आलिया भट्ट भी मौजूद, शाहिद ने कहा फिल्म ड्रग्स समस्या के खिलाफ दे रही है संदेश। महेश भट्ट ने पूछा क्या हम सऊदी अरब बन गए हैं, अरब में पैसे लेकिन खुली सोच की छूट नहीं। अशोक पंडित ने पहलाज निलानी से माफी मांगने को कहा, अनुराग कश्यप पर आपसे पैसे लेने का लगाया था आरोप। राहुल ढोलकिया ने कहा हमने अपनी तरफ से कोई कल्पना नहीं दिखाई, जो समाज में हो रहा है वही है फिल्म में। सेंसर बोर्ड के प्रमुख पहलाज निलानी ने अनुराग कश्यप के आरोप किए खारिज, फिल्म के प्रचार के लिए विवाद का आरोप। निलानी का आरोप फिल्म के लिए पहले भी विवाद पैदा कर चुके हैं, कश्यप निजी आरोप लगाने से किया इनकार। निलानी ने फिल्म में कट को ठहराया जायज, कहा राजनीतिक एजेंडे के तहत बनाई गई है फिल्म। अनुराग कश्यप ने कहा उनकी लड़ाई को राजनीतिक रंग ना दे, सरकार यूपीए से लड़ी है सेंसरशिप पर लड़ाई। एफटीआईआई के चेयरमैन गजेंद्र चौहान ने निलानी का किया समर्थन, कहा पंजाब के युवाओं के हित को देखते हुए लिया गया होगा फैसला। नए विवाद में फंसी सोनिया गांधी, केरल में एक बिल्डिंग निर्माण का बकाया नहीं चुकाने पर कॉन्ट्रैक्टर ने दर्ज कराया मामला। मेसर्स हीथर कंस्ट्रक्शन कंपनी से भुगतान को लेकर विवाद, 20 करोड़ के निर्माण में 2 करोड़ है बकाया। हरकत में आए कांग्रेस सुरजेवाला ने कहा 24 घंटे में सुलझा लेंगे मामला। बिहार फर्जी टॉपर केस में बिहार शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन लालकेश्वर सिंह पर गिरी गाज, दबाव में दिया इस्तीफा। बिहार सरकार ने आज ही लालकेश्वर सिंह को दिया था नोटिस, पूछा था क्यों ना पद से हटाया जाए। बिहार के शिक्षा मंत्री ने लालकेश्वर सिंह के इस्तीफे की पुष्टि की, 24 घंटे के अंदर जवाब देने को कहा गया था। पटना के एसएसपी ने कहा कॉपियों में छेड़छाड़ की आशंका जरूरी हुआ तो शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से होगी पूछताछ। फर्जी टॉपर केस में एसआईटी ने 6 लोगों को हिरासत में लिया, वैशाली के जीए इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ जारी। चीटिंग की जांच कर रही एसआईटी ने 4 टॉपर्स को भेजा नोटिस, पूछताछ के लिए पेश होने को कहा। एफआईआर में आर्ट्स टॉपर रूबी राय, साइंस टॉपर शालिनी राय, सौरभ और राहुल के नाम, कई छात्र अपने घर से फरार। दिल्ली बीजेपी के नेता विजय गोयल की मांग पर बोले मनोज तिवारी, बिहार के सभी बच्चों पर नहीं उठा सकते सवाल। विजय गोयल ने डीयू में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम की मांग की है, बिहार फर्जी टॉपर मामले के बाद बना रहे हैं दबाव। पटना सचिवालय से कई फाइलें गायब, सरकार ने कहा फाइलें चारा घोटाले से जुड़ी नहीं। पशुपालन विभाग की 500 फाइलें हुई हैं गायब, पुलिस ने 20 दिन बाद 16 मई को दर्ज की एफआईआर। बिहार के पशुपालन निदेशालय की सफाई, पशु चिकित्सकों से जुड़ी है फाइल, चारा घोटाले से संबंध नहीं। फाइल गायब होने पर रूड़ी ने लालू नीतीश को घेरा, कहा लालू को क्लीन चिट दिलाने के लिए नीतीश सरकार कर रही है मदद। जेडीयू नेता अली अनवर ने जांच का इंतजार करने को कहा, बोले नीतीश सरकार जांच में नहीं दे रही दखल। फाइल चोरी पर दिग्विजय की चुटकी, कहा जब चारा ही चोरी चला गया तो फाइल कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा बढ़ाई गई, हमले की आशंका के बाद 48 निजी सुरक्षा कर्मी और 16 पुलिसकर्मी तैनात। सूत्रों का दावा हाफिज के घर और एनजीओ पर पहरा बढ़ा, मूवमेंट को कम किया गया। अमेरिकी कांग्रेस की ज्वाइंट सेशन को आज संबोधित करेंगे पीएम मोदी, भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे से संबोधन। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर भारत को बड़ी कामयाबी, ओबामा ने एनएसजी पर किया समर्थन, व्हाइट हाउस में ओबामा से मिले मोदी। भारत की एनएसजी दावेदारी पर बोले ओबामा भारत को तकनीक की जरूरत। ओबामा ने मिसाइल कंट्रोल रिजीम यानी MTCR पर भी दिया समर्थन, पीएम मोदी ने जताया आभार। मोदी ओबामा में 1 घंटे से ज्यादा चली मुलाकात, सिविल न्यूक्लियर सहयोग पर हुई चर्चा। ओबामा के मुताबिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता लागू करने पर हुई चर्चा, साइबर सिक्योरिटी पर साथ काम करने की जताई इच्छा। पीएम मोदी ने कहा हम अमेरिका से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, दोस्ती पर जताया गर्व। मोदी ओबामा की 8वीं बार हो सकती है मुलाकात, G20 बैठक में फिर मिलने की उम्मीद। भारत का MTCR का सदस्य बनना तय, सूत्रों का दावा इस साल सियोल में होने वाली बैठक में मिल सकती है मंजूरी। अमेरिकी कंपनी वेस्टिंग हाउस भारत में बनाएगी 6 परमाणु रिएक्टर, अगले साल जून तक पूरा होगा करार। रक्षा के क्षेत्र में भारत अमेरिका में और बढ़ी नजदीकियां, अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर बताया। बराक ओबामा का पाकिस्तान को 2 टूक फरमान, पठानकोट हमले के दोषियों को सजा देने को कहा। अमेरिकी रक्षा सचिव एश्टन कार्टर से मिले पीएम मोदी, ब्लेयर हाउस में गर्मजोशी से हुई मुलाकात।
एश्टन कार्टर से मुलाकात के बाद राउंड टेबल मीटिंग में पहुंचे मोदी, बिजनेस लीडर्स के साथ चर्चा। अमेरिकी कारोबारियों को बोले पीएम मोदी, भारत ग्लोबल ग्रोथ में नया इंजन बनने को तैयार। अमेरिकी कारोबारियों को पीएम ने किया संबोधित, कहा भारतीय अर्थव्यवस्था से दुनिया को होंगे कई फायदे। पीएम मोदी के विदेशी दौरे पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का सवाल, सामना में देश की छवि खराब करने का लगाया आरोप। उद्धव ने लिखा, देश की बात देश में रहे तो बेहतर, कतर में देश के भ्रष्टाचार की बात कहने पर उठाए सवाल। अब देखिए देश की आज की बड़ी खबरें। राज्यसभा चुनाव से पहले INLD के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला का शिगुफा, 15 विधायकों को उत्तराखंड के मसूरी भेजा। 11 जून को होगा राज्यसभा के 57 सांसदों का चुनाव, हरियाणा में कुछ सीटों पर जबरदस्त टक्कर की उम्मीद। पटना में BPSC दफ्तर के बाहर छात्रों का हंगामा, छात्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। मेंस परीक्षा की तारीख बढ़ाने की कर रहे हैं ते मांग, 8 जुलाई से 30 जुलाई तक होनी है परीक्षा। दिल्ली में केजरीवाल के घर के सामने बीजेपी पार्षदों का प्रदर्शन, MCD में वित्त आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग। हंगामा कर रहे पार्षदों, पुलिस के साथ भिड़े, हटाने की कोशिश पर सड़क पर लेट गए पार्षद। दिल्ली में प्रीमियर बस घोटाले में ACB के सामने पेश नहीं हुए कमिश्नर संजय कुमार, व्यस्त होने को बताया वजह। ACB चीफ MK मीणा ने कमिश्नर पर कार्रवाई की दी धमकी, बगैर अप्रूवल प्रीमियर बसें खरीदने की योजना का आरोप। लंबे इंतजार के बाद केरल पहुंचा मानसून, कई इलाकों में झमाझम बारिश। तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में भी पहुंचा मानसून, केरल के इदुक्की जिले में बारिश से एक की मौत। मौसम विभाग ने मानसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की, अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश, मौसम विभाग ने गढ़वाल में तेज बारिश की चेतावनी जारी की। बागपत में पंचायत अधिकारी और DM को धमकी देने वाले मंत्री पर कार्रवाई, CM अखिलेश ने हटाया। अपनी पसंद के आदमी को पंचायत में रखना चाहते थे मंत्री कुलदीप उज्जवल, धमकी का ऑडियो हुआ था वायरल। बिल्लारी की DSP अनुपमा शेनॉय को सरकार का अल्टीमेटम, पक्ष रखने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। DSP अनुपमा शेनॉय मामले में आरोपी मंत्री परमेश्वर नायक की सफाई, कहा इस्तीफे का मुझसे लेना देना नहीं। भोपाल में पुलिस के आर्थिक अपराध ब्यूरो के सामने पेश हुए दिग्विजय, एक कॉलेज को फायदा पहुंचाने का है आरोप। दिग्विजय का आरोप, व्यापक मुद्दा उठाने के कारण बदले की भावना से MP सरकार कर रही है कार्रवाई।